हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन के दौरान जहां प्रदेश के सभी शराब के ठेके बंद है, तो वहीं अब युवाओं को गांजी जैसा जहर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। हमारे संवाददाता राजा पटेल ने जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि बल्लभगढ़ में कुछ पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पूरे प्रशासन की मेहनत पर पानी फिर रहा है। 18 साल की कम उम्र के बच्चे इस नशे का शिकार हो रहे हैं। साथ ही जब एक गांजा बेचने वाले शख्स से बातचीत की गई तो उसने बताया कि यहां हर दिन 18 साल से कम उम्र के बच्चे गांजा खरीद रहे हैं। साथ ही उसने ये भी खुलासा किया कि यहां शराब की बड़ी खेप जो है वो आसानी से भी मिल सकती है, शराब भी बड़ी आसानी से मिल सकती है। तो सुनिए क्या कुछ कहा है। ए भैया हमें सस्ते दे देख रहा हमें कहाँ कहाँ कलंदर। अरे मैं गया भी एक बार तेरे पास गया जो गया एक बार गया तो मैं तेरे पास यार ये हमारे वहाँ मंत्र है यार बरोदा वहाँ कुछ है क्यों ये मिलावट है भाई फिर घी लो भाई वहाँ में थोड़ा छोटा छोटा है ना बढ़िया देखिए थैले देखिए ये तो वैसा वाला है। 50 वाले कितने भाई है? 50 वाले 140 पहले 60 की 70 की होगी। लॉकडाउन में ये सब महंगी कर दिए और चलिए इसी खबर के मार्फत आपको लिए चलते हैं राजा पटेल की ओर जो कि हमारे संवाददाता फरीदाबाद से। राजा जरा बताइए कि इस तरीके से जो शराब की बिक्री हो रही है ये स्टिंग ऑपरेशन आपने कब किया और आपको किस तरीके से पता चला? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया ये कल रात का देर रात का स्टिंग ऑपरेशन है। हमारी टीम कल पूरी रात बल्लमगढ़ के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से घूम रहे थे लगातार शिकायतें मिल रही थी हमें। उसके बाद हम बल्लमगढ़ की जो बड़ी मंडी है वहां पर जो कि शराब के जो तस्कर है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कहीं ना कहीं शराब देते हुए कह दिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि गांजा भी बहुत धड़ल्ले से बल्लमगढ़ की बड़ी अनाज मंडी में बिकता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर पुलिस की पीसीआर वहां से गुजर रही थी, पुलिस के राइडर वहां पर गुजर रहे थे, पर इन लोगों को पुलिस के पीसीआर ना ही कुछ कह रही थी ना ही जो उनके राइडर थे वो कुछ कह रहे थे। साफ तौर पर पुलिस की मिलीभगत यहां पर साफ तौर पर नजर आती है सोनिया। साफ तौर पर कहीं ना जिस तरीके से जो युवा हैं जो इस गांजे को इस नशे के जहर को जो खरीद रहे थे और जो पीते हुए हमारे कैमरे में कैद हैं वो मैं आपको बता दूं कि नाबालिग हैं, 18 साल के कम एज के ये युवा हैं और साफ तौर पर काफी धड़ल्ले से ये नशे का कारोबार पूरे बल्लमगढ़ में फैलता हुआ नजर आ रहा है। जी राजा, कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से तमाम प्रशासन पर सवालिया बिंदु खड़े होते हैं, तो आपने प्रशासन के किसी आला अधिकारी से बात करने की कोशिश की हो? जी बिल्कुल, देखिए सानिया इस बारे में हमारे जो पुलिस प्रवक्ता है उनसे बात जरूर हुई, उन्होंने आज दोपहर का टाइम दिया है इस बारे में और हमसे जो स्टिंग है वो मांगा है और उस पर कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। तो साफ तौर पर दोपहर के बाद उनसे मुलाकात होगी, उसके बाद ही वो मीडिया को कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज को बयान दे पाएंगे कि किस तरीके की कार्रवाई हो, जो पुलिस के खिलाफ जो पुलिस के जो अधिकारी है जिनकी वहां पर ड्यूटी लगाई थी उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं या फिर आगे की रणनीति उनकी क्या रहती है। जी राजा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो युवा है वो गांजे की बात कर रहे हैं, उन्हें गांजा जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर शराब के ठेकों का जिक्र करें या इस तरह के नशे का जिक्र करें तो वो आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, इनके पीछे किन लोगों का हाथ माना जाए, कौन लोग हैं? ऑपरेशन है बल्लमगढ़ की सब्जी मंडी का स्टिंग ऑपरेशन। यहाँ पर पिछले काफी दिनों से हरियाणा को शिकायतें मिल रही थी, जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं जिस तरीके से गाड़ी में कहीं ना कहीं दारू सप्लाई की जाती है, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये जो गोरख धंधा है सामने कहीं ना कहीं आया है। जिस तरीके से पुलिस की पीसीआर वहां पर, वैसे मैंने आपको पहले बताया पुलिस की पीसीआर भी रहती है वहां पर, पूरी रात गश्त करती है, पुलिस की राइडर्स भी रहते हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से ये नशे का कारोबार वहां पर फैलता जा रहा है वाकई में चिंताजनक है। दूसरी तरफ जिस तरीके से गांजे की बिक्री, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में लॉकडाउन है, प्रदेश की बात करें तो दारू पर साफ तौर पर पाबंदी है, उसके बावजूद किस तरीके से यहां पर दारू बिकती हुई हमारे कैमरे में कैद हुई है वाकई में, और ये युवा किस तरीके से इस दारू का सेवन कर रहे हैं, इस गांजे का सेवन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जी सोनिया, राजा ये गांजा बेचते हुए गाड़ी में ही मिले?
जी बिल्कुल, देखिए सोनिया अलग अलग इनके टीम है, ये जो युवा है जो गांजा बेच रहे हैं ये भी 16 से 17 साल इनकी एज है, अलग अलग इन्होंने कहीं ना कहीं पॉइंट बना रखे हैं। जिस तरीके से सब्जी मंडी में अलग अलग पॉइंट होते हैं कि आप धनिया कहीं और से खरीदते हैं, आलू कहीं और से करते हैं, तो ऐसे ही इनके जो मंडी है वहां पर पॉइंट बना रखे हैं। एक मंडी में जैसे ही आप एंट्री करेंगे एक पॉइंट है वहां पर खोखा है, वहां पर आपको गांजा और दारू आसानी से मिल जाएगा। उसके थोड़ी आगे जाएंगे तो दूसरा पॉइंट है, वहां पर गांजा आसानी से मिल जाएगा। तो अलग अलग पॉइंट बनाकर पूरी चैन है वाकई में प्रशासनिक अधिकारियों को की या फिर पुलिस के जो अधिकारी है जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है उनको इस बार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा मैं आपको बताऊं कि जो जिनकी पढ़ने लिखने की एज है और जो युवा कॉलेज जाते हैं वो युवा कहीं ना कहीं इस गांजे का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, आगे भविष्य में ज्यादा कहीं ना कहीं इनकी चैन लंबी ना हो जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को भी गंभीर होना चाहिए और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को भी गंभीर होना चाहिए। जी राज्य, कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते प्रशासन पर भी सवालिया बिंदु खड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन की मुस्तैदी का जिक्र किया जाए क्योंकि लॉकडाउन पर फिलहाल है, तो वो कितना माना जाए, प्रशासन कितना मुस्तैद है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए वाकई में सोनिया फरदाबाद की बात करें तो पुलिस प्रशासन काफी अच्छा काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं लॉकडाउन पर सख्ती से निपटता हुआ नजर आ रहा है। पर कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिस तरीके से जो आपने ये वाकया देखा स्टिंग किस तरीके से वहां पर पीसीआर राइडर है, वहां पर पीसीआर वैन है, गश्त भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई रोक टोक नहीं है, तो कुछ पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं लापरवाही अपनी ड्यूटी में साफ तौर पर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार सख्त है नशाखोरी को लेकर, साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार ने बैन कर रखे दारू को, उसके बावजूद किस तरीके से धड़ल्ले से बल्लमगढ़ के इस मंडी में आप दारू आकर खरीद सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है। जी राजा, क्या इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं यहाँ से, ये पहला मामला है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो सब्जी मंडी की बात करें तो जो जानकारी है और जो चश्मदीद है, हमने जो 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 युवा वहां से कहीं ना कहीं गांजा खरीद के जा रहे थे, हमने उनसे भी अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बात करने की कोशिश की, तो पिछले 3 से 4 महीने से यहां पर गांजा बिक रहा है। बहुत हैरानी की बात है कि पिछले 4 महीने से गांजा बिक रहा है, पुलिस प्रशासन लाख दावे करता है कि हमने नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, सरकार भी मुहिम चला रही है नशे के खिलाफ, उसके बावजूद 4 महीने बहुत बड़ी बात है सोने की, 4 महीने से यहां पर युवा आते हैं गांजा लेते हैं गांजे का सेवन करते हैं, और युवा ऐसे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, नाबालिग युवा ज्यादा है इसमें, तो वाकई में चिंता का विषय है, सरकार को पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं इस बारे में गंभीर होना चाहिए, और जो भी इस नशे के कारोबार का जो ठेकेदार बनकर कहीं ना कहीं कारोबार को बढ़ा रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजा पटेल तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, और आप देखें कि बल्लभगढ़ में यहां पर गांजा धड़ल्ले से बिक रहा है, ना ही पुलिसकर्मी ने कुछ कह रहे, देखे कुछ ही पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते तमाम प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और देखिए देश का युवा किस तरीके से गर्त में जा रहा है, नशे का सेवन कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है एक सभ्य समाज के लिए।